एबीसीडी राइमिंग में सीखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ये होता है। अगर फैमिली में किसी को ढोलक बजानी आती है, जैसे मेरे को बचपन में आती थी, वो आदमी समझ लो जब तक नौकरी पे नहीं लग जाता तब तक वो तब तक छूटता नहीं है। घर में भजन हो, बर्थडे हो, कीर्तन हो, लेडी संगीत, ए मुन्ना बुला, मुन्ना इतने साल ढोलक बजा लेता ना महिलाओं के अंदर बैठ बैठ के, कि जब वो 18 साल का और के बाहर निकलता ना, मर्दों में उसको शर्म आने लगती है, यहाँ पे मतलब इधर कोई लेडी नहीं। हाँ मैंने बड़े लड़के देखे ऐसे 18 साल तक ढोलक बजाते रहते, फिर सडनली दुपट्टा लेके बाहर निकलते। ये अपना ये बाल लंबे ऐसे थोड़ी करके बैठा हुआ आकाश। सोनू कहाँ है? एक्चुअली सोनू दीदी का नया घर बन रहा है। अच्छा, उनको इंटीरियर डिजाइन वगैरह भी सब वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं, तो शी इज डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन, सब खुद से कर रही हैं, तो वो इतनी ज्यादा एक्सर्शन हो गई उसकी वजह से वो बीमार हो गए। सीधा भी बोल सकती थी बीमार हो गए, इसने बताया पहले कि नया घर बना रहा है, पहले नया घर बताया, अरे यहां आने के लिए, वी नो यू गाइस आर अर्निंग सो मच। नेहा ने भी एक्चुअली कई साल पहले इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था, तो मुझे वो नॉस्टैल्जिया हो गया कि जैसे नेहा वापस से इंडियन आइडल के साथ आई है। बट वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू गाइस। पवन, आपको बहुत सारे पैसे भी मिले, गाड़ी भी मिली है, गाड़ी की लेफ्ट सीट पे बैठने वाली कोई मिली कि नहीं? सर अभी तो गिटार रखी है वहाँ पे, 7 साल लगेंगे सर। थोड़ा 7 साल बाद क्यों सोच के रखा कि 7 साल बाद? क्योंकि तब तक गाड़ी वाड़ी सब, फिर उसमें बैठने के लिए अच्छा मतलब बढ़िया घर एकदम, तो दिक्कत ना हो 7 साल बाद जो आएगा। ओ, इतनी केयर पहले से ही, जिससे बना भी नहीं। अरुणिता, आपने गाना गाया था ना, ए री पवन ढूंढे तुझे मेरा मन, ऑडिशन में है ना, आप पहले से जानती थी पवन को? अच्छा, तो मतलब कोइंसिडेंस है, वैसे गाया था आपने गाना निहाल जो है वो आपका बच्चा है, क्यों क्यों आपने कहा? ये अभी भी डायपर पहनता है? आपके मन में क्या आया मतलब? सर उसकी सभी हरकतें एकदम बच्चों जैसी है, टिपिकल उसका पूरा जो बिहेवियर है वो अभी भी बच्चों जैसा ही है, मतलब वो 21 साल का है पर बिल्कुल भी नहीं लगता। सो स्वीट यार, ऐसे बच्चे छुपन छुपन में कांड कर जाते हैं। अच्छा, वो शर्मा गया बेचारा यार, एकदम से ऐसे बच्चे कहते हैं ये मेरा बच्चा है। ओके, सॉरी फॉर द होल लैंग्वेज। यस, अभी भी नेटफ्लिक्स पे काम करके आया हूं ना। शर्मा प्रिया जो है बड़ी प्यारी सिंगर है, और है भी छोटी सी, इनकी मम्मी हमेशा इनके साथ रहती हैं जब भी ये जाती हैं, जैसे मेरी मम्मी रहती ना, अच्छा हम लोग लंदन गए बीच में एक शो के लिए, दो लोग मेरे से फोटो खिंचा के, मेरी मम्मी ने उनको आवाज़ दी, कहती बहन जी मेरे साथ नहीं खिंचवानी। और मम्मी मतलब लोग पहचानते भी ऑब्वियसली, तो आप जब जाते हो तो आपके साथ ज़्यादा सेल्फी होती है कि मम्मी से, और पैसे में मांगती हैं 50% की, मैं भी तो साथ रहती हूँ। नहीं बट जब लोग पहचानते हैं तो वो सबसे पहले मम्मी को पहचानते हैं, उसके बाद मुझे पहचानते हैं, तो लाइक हाँ जब मास्क ये जब होते हैं तो आई थिंक मम्मा या निहाल। एक बात बताओ, मैंने आपके बारे में सुना कि आप कभी कभी लिरिक्स भूल जाते हो, गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रहता है आपको? मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, आई लव योर वॉइस, आई लव, कोई आई लव यू नहीं बोलता है। अच्छा, सब बोलते हैं आई लव योर वॉइस। वो होएगा धीरे धीरे, अभी बड़े हो जाओ पहले। इतनी क्या, अभी 21 साल की उम्र, सरकार ने लिखा ना 21 साल में लड़का जवान होता है, और क्या बोलते बालिग, बालिग अभी वेट करो, भी ऐसा नहीं है। अरे देखो 36 में शादी हुई है, उसके बाद स्पीड पकड़ दो। मैं दानिश के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहले जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी वो यहीं इसी मंच पर थी, आप लोग आए थे इंडियन आइडल शुरू होने से पहले। थैंक यू सो मच मैम, मैं हमेशा से जब भी मेरी कोई परफॉर्मेंस होती थी ना तो मुझे मैम हमेशा से मैसेज करती थी, तो और मुझे बहुत मतलब अच्छा फील होता था कि इतनी बड़ी मैम मुझे मैसेज कर रही है। इतनी बड़ी मैम, नमती ना दो पार्टी जानू, ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ 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 ला 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 ला। Thank you.
अच्छा टोनी एक बात बताओ, आप तीनों भाई बहन सेलिब्रिटी हो, लेकिन जो सेलिब्रिटी घरों में जीजा होता है ना जी, उससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है ना? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके फैंस ने कहा है पूछने के लिए कि रोहन ने कभी अपने नंबर बढ़ाने के लिए आपको बुलाया कि टोनी आ जा और ये मेरी दोस्तों की पार्टी, इधर गाना गा, बाहर बुलाया अपना ही है ये लड़का। वैसे बाजी वो काफी स्वीट है, ये अच्छी बात है, स्वीट तो बहुत है, बहुत स्वीट है, और बस यही कोशिश चलती रहती है कि भाई नेहू कैसे ज्यादा खुश हो जाएगी, नेहू को ये अच्छा लगेगा, नेहू को वो अच्छा। हाँ अच्छा। नेहू के लिए ही कुछ करवाया होगा डेफिनेटली। कभी वो घर आए हो और घर वालों ने कहा बेटा तू सोफे पे सो जा, जीजा को अपना कमरा दे दे। हाँ ये तो होता है, अभी जीजू हैं तो मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट उनको देनी देनी है। बट इनसे ये पूछ लो, वो छोटे हैं जीजू, मतलब हम छोटे हैं इनसे, ये कहीं बताते ही नहीं है। मतलब रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। नहीं नहीं ऑफ कोर्स, जीजा जी तो हमेशा ही, चाहे रिश्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा बड़े होते हैं। अच्छा आप जीजा जी के साथ किसी पार्टी में गए हो और ये जीजा फैल गया हो ये सोच के कि चलो टोनी संभाल लेगा, कभी ऐसा हुआ? पाजी उनको पता है कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा। क्या होता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है, मैं नेहू से पूछो, मैं वैसे ही बहुत शांत स्वभाव का हूँ, मेरे से मतलब और संभाला नहीं जाता। फैलने वालों में से लगता भी वैसे नहीं है, नहीं वो वैसे बहुत बहुत प्यारा है। अच्छा नॉर्मली होता है ना घरों में जीजा आए तो जाके भाग के स्टेशन पे लेके आ, आप तो खैर अच्छा खासा कमा रहे हो, तो ऐसा कभी होता है कि घर वाले बोले कि जा बाकी एयरपोर्ट से लेके आ? बिल्कुल बोलते हैं, और मेरा भी मन करता है कि जब बहुत दिनों बाद आते हैं तो मेरा बिल्कुल मन करता है कि मैं जाऊं एयरपोर्ट रिसीव करूं, मतलब मेरा ख्याल है परिवार इसीलिए होता है। बाकी जीजा अकेले कहीं नहीं जाते। अच्छा जीजा जाता ही नहीं अकेले? रोहू अकेले जाते ही नहीं है, मतलब अकेले जाए तो यू नो साले साहब लेने जाए ऐसा कुछ हो या मैं लेने जाऊं। तो कौन कौन जाता है साथ फिर, मतलब तो बेसिकली ही डजंट गो एनीवेयर मेरे बिना। पर कितने साल हो शादी को अभी? एक साल हो गया, मतलब अब होने वाला, अब अक्टूबर में पता है। एक साल के बाद क्या होता है फिर शादी में? अकेले जाते अपने आप ग्रो करता है इंसान लाइफ में, उनको पता चल जाए। शुक्र है अभी तो पति पर ये कितनी खूबसूरत बात है, प्यार है। इनके पति कहीं साथ हैं, मैं टांगे तोड़ दूंगी अगर मेरे पीछे आए। अरे टोनी सोनू की भी शादी हो गई, नेहा की भी शादी हो गई, तो घर में जो दो कमरे खाली हुए हैं आपका मन नहीं करता उनमें से एक कमरा मैं भर दूं? नेहा आपको लगता है कि कभी टोनी को कोई लड़की पसंद आएगी तो वो आपसे मिलवाएगा, परमिशन लेगा, सीधा बताएगा नेहा अंदर बैठी है, हम लोग हो गया शादी, अंदर बैठी शादी हो गई, ऐसा करेगा? आपको क्या लगता है टोनी को? एक्चुअली टोनी भाई इज क्वाइट प्राइवेट। अच्छा जैसे वो गाने पूरे खुल के बनाते हैं। हाँ। नहीं गाना पर्सनल लाइफ तक बना नहीं होता, वो भी तब तक नहीं है सामने। आई प्ले द फाइनल डेमो, मतलब व्हेन आई एम सैटिस्फाइड, तो शादी भी सैटिस्फाई होके बताओगे? तो या ऐसे ही है, नहीं शादी भी आई थिंक तभी करोगे जब फुल्ली कन्विंस होगे कि यही लड़की है। जी जी मैम। तो अभी तक कौन सी मिली है, कितनी मिली है? अभी जैसे शादी का लगेगा कि हाँ शादी कर सकता हूँ तो मम्मी को सबसे पहले बताऊंगा। पर अर्चना जी ने इसलिए पूछा कि अगर आपको इनके जरूरत हो तो इनका साइड बिजनेस है पूरन सिंह मैरिज पार्लर, 1100 रुपए रिश्ते का लेती है, एक सोने की अंगूठी। तुझे बड़ा पता है इसका, रिश्ता भी मैंने ही कराया है ना, है ना कपिल? और अगर मान लो आप मियां बीवी की नहीं बनती फिर ये दूसरे घर जाके पीट के भी आती हैं। लड़कियों की बातें सुनने के लिए सोने का नाटक कर रहा है पीछे वो बैकग्राउंड में है। चैन की नींद सोने के लिए रात को हल्दी का दूध पिए और सोने से पहले बाथरूम, ये कोई होगा हकीम लोग? गाने हिट हो तो आदमी सो भी लेता है वरना नींद उड़ जाती है। सही है। और ये बात अच्छी है। ये जरूर नवंबर दिसंबर का फोटो है वरना मई जून में तो अच्छा ये तो वाह मैडम ऐसे कपड़े पहन के तो अमेरिका का वीजा नहीं लेना पड़ता होगा ना। लेडी गागा वर्सेस लेडी फिंगर, लव यू नेहू, वाह लेस सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बंदा है। आगे और भी दिखाओ। आर यू फॉर रियल? दीदी एक बार रो के दिखाओ इनको यकीन हो जाएगा। ओह गॉड
ये मेरे साथ हो कैसे जाता है, मतलब जहाँ जाओ आंसू आंसू आंसू, मेरा पीछे ही नहीं छोड़ते। उस शो पर रोते हुए आंसू, यहाँ हंसते हुए आंसू, बताइए। बट हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ पर सिर्फ हंसते हुए आंसू।